सो हे वो सब पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी। और इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मोटो वन पावर को नोकिया 6.1 प्लस से, लेकिन जी कैम को इंस्टॉल करने, यानी कि गूगल कैमरा दोनों में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इनको कंपेयर करेंगे कि किसकी फोटोग्राफी आपको ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। तो इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा डिवाइस आपको अच्छी फोटोग्राफी प्रोवाइड कराएगा और कौन सा आपको लेना चाहिए। और ये गूगल कैमरा तबाही है, अब देखो किसकी शामत आई है। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार बांधो सीट बेल्ट और चक दो फटे। सो गाइज, मोटो वन पावर और नोकिया 6.1 प्लस के जी कैम का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई बटन पे भी आपको दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करना चाहूंगा वीडियोस से। तो दोनों में आपको EIS मिल जाता है, यानी कि जी कैम है तो वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको मिल ही जाएगा। अब आप यार खुद देखो कि किस में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट बेस्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया कि दोनों में क्वालिटी सेम मिल रही है या कुछ फर्क है। तो थोड़ा यहाँ नजर आया कि हाँ, हल्के से डार्क कलर आपको मोटो में दिखाई दे रहे हैं और नोकिया 6.1 प्लस में थोड़े लाइट कलर दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो परफेक्टली वर्क करता है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, एकदम मस्त काम कर रहा है। सो दूसरा वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा आपको इवनिंग टाइम का, 7:30 बज चुका है। अब आप दोनों वीडियो में खुद डिफरेंस देखो कि मोटो वन पावर में आपको थोड़ी सी लाइट ज़्यादा मिल रही है, नोकिया 6.1 प्लस में आपको कलर्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस दोनों में है। तो जी कैम ऑलमोस्ट बराबर काम कर रहा है, सिर्फ लाइट का फर्क मिलेगा क्योंकि सेंसर डिफरेंट है दोनों डिवाइसेस में। अब ये वाली पिक्स मैंने फ्रंट कैमरे से ली है, तो फ्रंट कैमरे में आप देख लो कितना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दोपहर की अराउंड 1:30 या 2 बजे की। तो इसके बाद थोड़ा डिफरेंस ये पता चला कि जो मोटो वन पावर है एक्चुअल में लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। और जो शर्ट का कलर है वो है पिंक, तो अब आप देख लो पिंक आपको कौन से में दिखाई दे रहा है। ये वाली फोटो ली है मैंने रूम में फ्रंट कैमरे से, तो आप देख लो लाइट नहीं थी, बहुत लो लाइट कंडीशन में ली गई है। और यहाँ पर भी मोटो वन पावर मुझे लग रहा है कि जो वाइटिश फोटो ज़्यादा दिखा रहा है, वही जो वॉर्म कलर आपको दिखाई देंगे नोकिया 6.1 प्लस में, लेकिन डिटेलिंग दोनों में आपको बराबर दिखाई देगी। तो यार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कोई फोटोग्राफर था नहीं, तो मैंने रियर कैमरे से फोटो ली है पोर्ट्रेट मोड में। अब आप देख लो आपको पोर्ट्रेट मोड कौन से वाला अच्छा लग रहा है, तो फिर आप डिसाइड करो। ये भी पोर्ट्रेट फोटो मैंने ली है रियर कैमरा से, तो आप देख लो लाइट कंडीशन में ली है, तो कौन सी आपको बेस्ट मिलती है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप जाएंगे मोटो की तरफ, कि मोटो का सेंसर कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। अब ये वाली पिक मैंने रात को ली है अराउंड 3 बजे बिल्कुल अंधेरे में, तो आप देख लो जो भी लाइट है यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन की है और ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ अब मुझे समझ आया कि जो नोकिया 6.1 प्लस का सेंसर है वो थोड़े वॉर्म कलर शो कर रहा है और जो मोटो का सेंसर है वो थोड़े कूल कलर शो कर रहा है, बाकी दोनों में आपको सेम फोटोग्राफी मिल रही है। वही सेम इस कूलर वाली फोटो में आपको दिखाई देगा कि जो नोकिया 6.1 प्लस के फोटो है उसमें आपको थोड़े वॉर्म कलर्स मिल रहे हैं, यहीं मोटो वन पावर में आपको कूल कलर यानी कि वाइटिश फोटो मिल रही है। तो ये वाली फोटो भी ली है मैंने रात को अराउंड 3:30 बजे, जो भी लाइट है यहाँ पे सामने बिल्डिंग से है। अब आप देख लो तो सेम वही चीज़ बार बार निकल के आ रही है, जो कलर्स में वाइट टोन है वो मिल रहा है आपको मोटो में, और जो थोड़ा येलोइश इफेक्ट यानी कि वॉर्म कलर मिल रहे हैं नोकिया 6.1 प्लस में। अब ये वाली जो फोटो है ये बोट के स्पीकर की, अब आप देख लो कि बोट किस में ज़्यादा चमक रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटो वन पावर में कुछ ज़्यादा ही कूल कलर्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। वॉर्म कलर के साथ थोड़े जो कलर्स हैं वो डल हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि फोटो ये डल है। अब इस पिक के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटो वन पावर का जो जी कैम है वो विदाउट पोर्ट्रेट मोड भी आपको बुके इफेक्ट दे रहा है, वहीं नोकिया 6.1 प्लस में बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जा रहा। ऑब्वियसली पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं है, लेकिन अगर आपको विदाउट पोर्ट्रेट मोड भी ये इफेक्ट मिलता है तो आई थिंक ये बेटर चीज़ है। ये वाली फोटो मैंने ली है रात को अराउंड 7:30 बजे जब लाइट्स ऑन होती है, मतलब दिन और रात वाला जो टाइम होता है, तो आप डिफरेंस देख लो कि किस में आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है। ऑब्वियसली मोटो वन पावर यहाँ पे ज़्यादा अच्छे कलर्स शो कर रहा है। ये है अपनी लास्ट पिक, तो इसमें आप फ्लावर को देखो, तो मुझे लगता है कि मोटो वन पावर कलर्स यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, कूल कलर्स मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि नोकिया 6.1 प्लस और मोटो वन पावर जब डिटेलिंग की बात आती है तो डिटेल्स आपको मिलती है नोकिया 6.1 प्लस में, और जो कलर स्टोन की बात आती है कि किसके कलर आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे वो मोटो वन पावर की। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप नोकिया 6.1 प्लस खरीदना चाहते हैं तो आप जो कलर टोन है उसको वाइट पे इंक्रीज करके छोड़ सकते हैं, तो आपको सेम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सो ये था ओवरऑल कंपैरिजन गूगल कैमरा को इंस्टॉल करने के बाद। ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों डिवाइसेस की लगभग सेम आई है, मोटो वन पावर थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी शो कर रहा है, वहीं नोकिया 6.1 प्लस में कभी कभी कम आ रही है, कभी कभी ज़्यादा, तो बड़ी मिक्स फीलिंग आ रही है। तो आप खुद डिसाइड कर लो, क्योंकि वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, तो एक एक चीज़ आपके सामने है, जो चीज़ आपको बेस्ट लगे आप वो परचेज करो, क्योंकि ये आपका डिसीजन है, आपको लेना है फ़ोन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मना कर दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।